तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कंप्लीट कर दिया है और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक तो उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं, देखिए, द फंक्शन टी व्हिच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन टू टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट इज डिफाइंड बाई टी ऑफ सी इक्वल टू 9c/5 + 32। तो यहां पर हम लोगों को एक फंक्शन दिया गया है टी ऑफ सी। टी ऑफ सी इज इक्वल टू 9c/5 + 32। तो हम लोगों को यहां पर टी ऑफ 0 निकलना है, टी ऑफ 28 निकलना है, टी ऑफ -10 निकलना है। उसके बाद अगर टी ऑफ सी इक्वल टू 212 हो तो उस केस में हम लोगों को सी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहां पर हम लोग पहले तो यहां पर टी ऑफ सी को लिख लेंगे। टी ऑफ सी दिया गया है आपका 9c/5 + 32। तो हम लोगों को रोमन वन में टी ऑफ 0 निकलना है। तो दे आर फोर टी ऑफ 0। टी ऑफ 0 मीन्स जस्ट इन प्लेस ऑफ सी हम लोग 0 पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पर इन प्लेस ऑफ सी हम लोग 0 पुट करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका 9 × 0/5 + 32। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ऊपर में 9 × 0 मतलब 0, 0 / 5 तो अल्टीमेटली ये 0 हो जाएगा। 0 + 32 और 0 + 32 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32। दैट मीन्स टी ऑफ 0 का वैल्यू आया है 32। अब रोमन 2 में हम लोगों को टी ऑफ 28 निकलना है। तो चलिए यहां पर रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। रोमन 2 में हम लोगों को टी ऑफ 28 निकलना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जस्ट इन प्लेस ऑफ सी हम लोग 28 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 9 × 28/5 + 32। दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 5, ऊपर में हो जाएगा आपका 9 × 28 + 5 से यहां पर गुना करना पड़ेगा 32 को, तो 5 से गुना कर दिया, 32 × 5 कर दिया। दिस इज इक्वल टू, अब 9 × 28 करेंगे, 28 को आप 9 के साथ जब गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 252 प्लस 5 के साथ जब 32 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 160 / 5। दिस इज इक्वल टू, अभी ऊपर में यहां पर 252 + 160 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 412 / 5। अभी 412 / 5 से 412 को डिवाइड देना है तो यहां पर जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 82.4। तो ये हो गया आपका T28 का वैल्यू। T28 का वैल्यू आया है आपका 82.4। चलिए नेक्स्ट रोमन 3 को सॉल्व करते हैं। रोमन 3 में हम लोगों को टी ऑफ -10 निकालना है। तो चलिए मैं यहां पर सॉल्व करता हूं रोमन 3 को। टी ऑफ -10 दैट मीन्स हम लोगों को इन प्लेस ऑफ सी -10 पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, 9 × -10/5 + 32। अभी देखिए 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। दिस इज इक्वल टू, अब 9 × -2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -18। 9 × -2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -18 + 32। अब -18 + 32 करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 14। तो यहां पर टी ऑफ -10 का वैल्यू आया है आपका 14। चलिए नेक्स्ट रोमन 4 को सॉल्व करते हैं। रोमन 4 को यहां पर हम लोगों को रोमन 4 में दिया गया है टी ऑफ सी इक्वल टू 212। तो हम लोगों को यहां से सी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहां पर रोमन 4 को सॉल्व करते हैं। रोमन 4 में हम लोगों को देखिए टी ऑफ सी का वैल्यू दिया गया है। टी ऑफ सी का वैल्यू दिया गया है आपका 212। टी ऑफ सी का वैल्यू दिया गया है आपका 212। अभी लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, टी ऑफ सी जो दिया गया है फंक्शन उसको यहां पर हम लोग पुट कर लेंगे। तो टी ऑफ सी दिया गया है आपका 9c/5 + 32 इज इक्वल टू 212। दिस इंप्लाइज अभी यहां पर 9c/5 32 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 212
माइनस 32, दिस इंप्लाइज 90 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, अभी यहां पर 212 माइनस 32 करेंगे तो कितना होगा, तो 212 माइनस 32 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180। अभी यहां पर देखिए 9 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, तो फाइनली यहां पर सी बाई 5 इज इक्वल टू आया है आपका 20, सो दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू 5 इंटू 20 करेंगे तो 5 इंटू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। तो हम लोगों को टी ऑफ सी दिया गया है, दिया गया था आपका 212, यहां से हम लोगों को सी का वैल्यू निकालना था, तो हम लोगों ने यहां पर सी का वैल्यू निकाल लिया और सी का वैल्यू आया है आपका 100। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को निकलना है, देखिए फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहां पर हम लोगों को तीन फंक्शंस दिया गया है, इन तीनों फंक्शंस का हम लोगों को रेंज निकालना है। यहां पर देखिए तीनों फंक्शन में पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या हम लोग ले सकते हैं ये यहां पर दिया गया है, मतलब एक्स क्या ले सकते हैं, मतलब डोमेन हम लोगों को दिया गया है क्वेश्चन में, हम लोगों को वो फंक्शन का रेंज निकालना है। रेंज मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इमेजेस ऑफ द डोमेन हम लोगों को निकालना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। पहले तो यहां पर रोमन वन में हम लोगों को दिया गया है, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है आपका 2 - 3x, देन एक्स क्या है, एक्स आपका रियल नंबर है, पर एक्स आपका पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यहां पर ये फंक्शन देख के हम लोगों को कहा गया है इस फंक्शन का रेंज हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर हम लोग रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को कुछ नाम दे देंगे। तो यहां पर हम लोगों ने y नाम दे दिया, सो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, अभी एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स से आपका 2 - 3x, तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। अभी क्या करेंगे, अभी यहां पर देखिए y इन टर्म्स ऑफ x है, y इन टर्म्स ऑफ x है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करेंगे। तो x इन टर्म्स ऑफ y बनाने के लिए यहां पर 3x को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3x इज इक्वल टू 2, और y को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस y, दिस इंप्लाइज। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 - y/3। अब हम लोगों को देखिए y इन टर्म्स ऑफ x था, हम लोगों को x इन टर्म्स ऑफ y बनाना था, तो यहां पर हम लोगों ने बना दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये कंडीशन यूज करेंगे, x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम लोग यहां पर अभी लिखेंगे नाउ एक्स इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज अभी एक्स हम लोगों को ये मिला है, तो यहां पर इन प्लेस ऑफ एक्स हम लोग एक्स का ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये वैल्यू क्या है, 2 - y/3 ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज अभी यहां पर 3 से क्रॉस करेंगे तो 2 - y/3 - 0, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, सो दिस इंप्लाइज 2 is greater than y को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस y, सो 2 is greater than y, मतलब y का वैल्यू 2 से लेस, y का वैल्यू मान लीजिए ये हमारा रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहां पर मान लीजिए 2 है, सो 2 का वैल्यू मतलब y का वैल्यू 2 से कम लेना है, 2 का कम लेना है मतलब लेफ्ट साइड ही लेना है, दैट मीन्स हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू 2, माइनस इन्फिनिटी टू 2, और क्योंकि यहां पर 2 नहीं ले सकते, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 2 नहीं ले सकते तो हम लोग 2 को राइट ओपन से यहां पर क्लोज करेंगे। तो फाइनली यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफोर रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवेल माइनस इन्फिनिटी टू 2, और क्योंकि 2 नहीं ले सकते इसीलिए यहां पर हम लोगों को ओपन इंटरवल से ही यहां पर क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका रोमन वन का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमन वन का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन टू को सॉल्व करते हैं। अब रोमन टू में देखिए हम लोगों को दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, व्हेयर एक्स क्या है, एक्स एक रियल नंबर है, दैट मीन्स इस फंक्शन का डोमेन देखिए यहां पर दिया गया है, डोमेन क्या हो सकता है, डोमेन होगा आपका फॉर एनी रियल नंबर, हम लोगों को इस फंक्शन का रेंज निकालना है। तो सेम प्रोसीजर यहां पर हम लोग यूज करेंगे रोमन टू में, यहां पर हम लोगों को दिया गया है देखिए एफ ऑफ एक्स दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां पर एक्स क्या है, एक्स आपका कोई भी रियल नंबर दिया गया है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इस फंक्शन का रेंज निकालने के लिए हम लोग यहां पर एज्यूम कर लेंगे लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इंप्लाइज तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इंप्लाइज
यहां से 2 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका y माइनस टू इज इक्वल टू एक्स, वाई माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे दिया। दिस इम्प्लाइज अभी राइट साइड से यहां पर हम लोग स्क्वायर छोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या लगेगा, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ वाई माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ वाई माइनस टू, ये लगेगा। अब यहां से हम लोगों को एक्चुअली निकलना क्या है, रेंज निकलना है, दैट मीन्स हम लोगों को पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई निकलना है। अब देखिए एक्स क्या है, एक्स एक रियल नंबर है, दैट मीन्स राइट साइड हमारा क्या है, राइट साइड हमारा रियल नंबर है, राइट साइड हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो क्योंकि राइट साइड रियल नंबर है तो लेफ्ट साइड को भी रियल नंबर बनाना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड रियल होने के लिए, लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड का पूरा एक्सप्रेशन रियल होने के लिए, देखिए ये प्लस माइनस इफेक्ट नहीं कर रहा है, हम लोगों को इफेक्ट करेगा ये रूट के अंदर जो वाई माइनस टू है ये इफेक्ट करेगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन रियल होने के लिए ये जो रूट के अंदर वाई माइनस टू है ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये जो वैल्यू है वाई माइनस टू, वाई माइनस टू का जो वैल्यू है ये आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये अगर निगेटिव हो गया तो रूट ओवर ऑफ निगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड आपका रियल है तो लेफ्ट साइड को रियल बनाने के लिए ये वाई माइनस टू का वैल्यू आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और यहां पर अगर y माइनस टू का वैल्यू जीरो हो गया तो उस केस में रूट बार ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पर हम लोग कह सकते हैं y माइनस टू का वैल्यू आइदर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या फिर इक्वल टू भी जीरो हो सकता है। तो यहां पर अभी हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे, सिंस x बिलोंग्स टू r, सो y माइनस टू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि राइट साइड हमारा रियल नंबर है तो लेफ्ट साइड को रियल नंबर बनाने के लिए ये रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आइदर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दिस इंप्लाइज यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, टू को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस टू। तो फाइनली यहां से हम लोगों को क्या मिला है, देखिए वाई का वैल्यू टू से बड़ा, मतलब मान लीजिए ये हमारा रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और मान लीजिए टू यहां पर है तो टू से बड़ा लेना है, मतलब टू का राइट साइड ही लेना है, और क्योंकि यहां पर इक्वल टू है दैट मीन्स हम लोग टू को भी ले सकते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली रेंज हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवेल टू कॉमा इन्फिनिटी, और ओपन से ही यहां पर हम लोग क्लोज करेंगे। तो फाइनली यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफोर रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज क्लोज इंटरवेल टू कॉमा इन्फिनिटी। तो ये हो गया आपका रोमन टू का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमन टू का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन थ्री को सॉल्व करते हैं। अब रोमन थ्री में देखिए हम लोगों को दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर, तो इस फंक्शन का हम लोग को रेंज निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग को देखिए फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक रियल नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम लोग नाम देंगे लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स है। अब देखिए अब यहां पर राइट साइड में एक्स है, और एक्स क्या है, एक्स एक रियल नंबर है, हम लोगों को पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई निकलना है, और क्योंकि एक्स एक रियल नंबर है तो एक्स एक रियल नंबर है और लेफ्ट साइड में क्या है वाई है, तो क्योंकि एक्स एक रियल नंबर हो सकता है, एक्स किसी भी रियल नंबर हो सकता है, दैट मीन्स फॉर एनी रियल नंबर एक्स y भी वही रियल नंबर होगा। मान लीजिए आपने x का वैल्यू x के प्लेस में 1 पुट किया तो y का वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा। मान लीजिए आपने x का वैल्यू -1.1 पुट किया तो y का वैल्यू भी क्या होगा -1.1। तो यहां से हम लोग इस लाइन से ये कह सकते हैं x का जो वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं x का उस वैल्यू के लिए y का वैल्यू भी वही आ रहा है, दैट मीन्स सिंस x इज रियल नंबर सो y इज ऑल्सो ए रियल नंबर। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे इट इज क्लियर दैट It is clear that the range of F is the set of all real numbers. The range of F of X is the set of all real numbers. तो यहां पर इस लाइन से पहले आप यहां पर और एक लाइन यहां पर लिख सकते हैं सिंस एक्स बिलोंग्स टू आर दिस इंप्लाइज वाई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहां पर वाई इक्वल टू एक्स है, मतलब वाई और एक्स दोनों सेम है, तो एक्स का जो वैल्यू आप पुट करेंगे वाई का वैल्यू भी वही होगा। तो सिंस एक्स बिलोंग्स टू आर दिस इंप्लाइज वाई बिलोंग्स टू आर, सो इट इज क्लियर दैट द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स।
तो ये हो गया आपका रूमान 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट कर दिया। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।